हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब कब और कितनी बार करवानी चाहिए, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होती है और आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कितनी सोनोग्राफी की नीड है, कितनी होनी चाहिए, और क्या कहीं आपके डॉक्टर आपको ओवर प्रिस्क्राइब तो नहीं कर रहे, या कहीं कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट ही नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी सोनोग्राफी की है, और क्या बार बार सोनोग्राफी कराना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि बार बार सोनोग्राफी कराने से कहीं बच्चे को कोई नुकसान होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनोग्राफी में जो किरणें काम में आती है वो सोनोग्राफी की साउंड वेव्स होती हैं, और ये साउंड वेव्स सोनोग्राफी के प्रोब से निकलकर पेट में बच्चे तक पहुंचती है, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस ट्रांसड्यूसर से पहुंचती है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर एक इमेज क्रिएट करती हैं, और उसी इमेज से हमें पता चलता है कि बच्चे का क्या स्टेटस है अंदर। और ये सोनोग्राफी की जो किरणें हैं, जिनको कि साउंड वेव्स कहते हैं, ये बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होती हैं। ये एक्सरे वेव्स नहीं होती हैं, जो कि एक्सरे मशीन में या सीटी स्कैन के अंदर होती हैं। वो नुकसान करती है क्योंकि उनमें रेडिएशन होता है, रेडिएशन का बहुत बड़ा नुकसान होता है, बच्चे में जन्मजात खराबियां हो सकती है, बट साउंड वेव्स का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए आप सेफली हर बार 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 कितनी भी बार सोनोग्राफी करवा सकती हैं, जितनी भी बार जरूरत है, बिना डरे बिना झिझके डॉक्टर की सलाह को जरूर फॉलो कीजिए। मिनिमम 4 सोनोग्राफी हमको प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट सोनोग्राफी हमें चाहिए होती है जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, और 1.5 महीना करीब हो गया है आपके पीरियड को मिस किए हुए, यानी कि जब आपका महीना आया था उसकी पहली तारीख से, यानी कि सपोज आपका महीना 6 तारीख से शुरू हुआ था, तो उसी तारीख से हम गिनेंगे कि 6 मार्च को आपका पीरियड आया था, और अब 6 अप्रैल को आपका पीरियड नहीं आया है, तो ये आपका मिस्ड पीरियड माने जाएगा। उसके बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट में आपकी 2 लाइनें आ गई है, दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट है, और अब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो सोनोग्राफी। सोनोग्राफी हमको इसलिए करवानी होती है इस स्टेज पर, ताकि ये कंफर्म हो सके कि बच्चे के एज कितनी है, वीक्स कितने हैं। सारी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, और हम वीक्स के हिसाब से ही प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं। तो करीब करीब 6 वीक के आसपास हमें पहली सोनोग्राफी करवानी चाहिए। इसको डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है, वो इसलिए कि इसमें जो बच्चे का एज का डिसीजन होता है कि बच्चा 5 वीक है, 6 वीक है या 7 वीक है, उसी से हम आगे की प्रेगनेंसी की डेट्स काउंट करते हैं। क्योंकि कई बार किसी किसी महिला को अपनी डेट्स के बारे में श्योरिटी नहीं होती, उनके पीरियड्स इररेगुलर होते हैं, कई बार हमें तारीखें याद नहीं होती कि हमारा पहला महीना कब आया था, या फिर ऐसा भी होता है कि किसी के दिन चढ़ चढ़ के आते हैं 2 महीने में 3 महीने में, तो उसमें एग्जैक्ट डेट का डिसीजन नहीं हो पाता। कि महिला कहती है कि मेरा तो जनवरी में पीरियड आया था, और अब प्रेगनेंसी टेस्ट उसने किया फरवरी में नेगेटिव, मार्च में नेगेटिव, लेकिन अप्रैल में जाके पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उसका 3 महीने का प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो हम सोनोग्राफी करके कंफर्म करेंगे कि उसका एग्जैक्टली बच्चा कितने समय का है, ताकि आगे अपने को डेट डिलीवरी का डिसाइड करने में कोई तकलीफ ना हो। इस सोनोग्राफी के कुछ फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा कि हमें डेट्स का पता चल जाता है। सेकंड, कि बच्चे की धड़कन इस समय आ चुकी होती है, तो ये पता चल जाता है कि बच्चे की धड़कन सही है या नहीं है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है या कहीं बाहर तो नहीं है। पिछले हमारे 1-2 वीडियो में हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात की है, आप उनमें जाके समझ सकते हैं कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी बच्चा बच्चेदानी के बाहर ट्यूब में या ओवरी में कहीं लग गया है, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कितना बड़ा जानलेवा आपके लिए साबित हो सकता है। इसलिए ये सोनोग्राफी से ही हमें पता चल पाता है कि बच्चे की लोकेशन क्या है। इसके अलावा ये भी पता चल पाता है कि बच्चे के आगे की थैली सही बनी है, उसमें योक्स है क्या, जीस है क्या, और भी उसमें कोई किसी प्रकार की मोटे तौर की खराबी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें पहली सोनोग्राफी से इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी, कभी मिस ना कीजिए, 6-7 वीक पे आप जरूर करवा लीजिए, और अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। सेकेंड सोनोग्राफी का टाइम आता है जब प्रेगनेंसी 11 हफ्ते की हो चुकी है। 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक ये सेकेंड सोनोग्राफी कराई जाती है, जिसे NTNB स्कैन के नाम से भी जानते हैं। NTNB स्कैन एक तरह के एनोमली स्कैन है, जो बच्चे की नेजल बोन, NB यानी नेजल बोन, एंड NT यानी कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी कि स्किन, सिर के पीछे की जो चमड़ी है उसकी थिकनेस को नापा जाता है, जिससे हमें कई इंपॉर्टेंट चीजों का पता चलता है। और ये इसी टाइम पे करवानी होती है, 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक। अगर आपने ये पीरियड मिस किया तो फिर ये सोनोग्राफी
नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप इस सोनोग्राफी को करवा लेते हैं तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम कई बच्चों में काफी बार देखा जाता है और ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो ऐसे बच्चे को अगर आप जन्म देते हैं तो जिंदगी भर आपको उस बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए अभी एक सोनोग्राफी करवा कर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, और इससे आप अगर ऐसा है डाउन सिंड्रोम है तो आप अबॉर्शन की भी प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन सोनोग्राफी से ही आपको कंफर्म होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय बच्चे के सिर की हड्डी बन चुकी होती है, तो कई बार किसी किसी बच्चे में सिर की हड्डी नहीं बनती है, जिसे एनेनकेफेली के नाम से जानते हैं। और अगर एनेनकेफेली बच्चा अगर आप उसको 9 महीने तक भी ले जाते हैं, उसके बाद में भी बच्चा जीने लायक नहीं रहेगा, इसलिए अगर अभी पता चलता है तो अभी उसका टर्मिनेशन करना उचित होगा। थर्ड, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी हमें अभी इसी स्टेज पर पता चल जाती है, इसलिए ये सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 11 हफ्ते से 13 हफ्ते के बीच में जरूर करवा लीजिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने से ना चूके। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी जो सब लोगों को पता होता है कि 5वें महीने के आसपास होती है, जिसे कि 18 से 20 हफ्ते के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी, जैसे 3D सोनोग्राफी या 4D सोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, या इसको एनोमैली स्कैन भी कहते हैं। ये बच्चे की जन्मजात खराबियां देखने के लिए की जाती है। ये सोनोग्राफी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है, क्योंकि 18 से 20 हफ्ते तक बच्चा पूरी तरीके से बन चुका होता है, उसके सिर से लेकर पैर तक की सारी चीजें पूरी बॉडी में डेवलप हो चुकी है, अंदर के भी सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं। अब इस बच्चे को पूरी तरीके से स्कैन किया जाता है, और ये बच्चा इतना बड़ा भी नहीं होता कि इसको पूरी तरीके से स्कैन ना किया जाए, तो ये बिल्कुल एडिक्वेट साइज होता है, पूरा बच्चा बन चुका होता है, उसको पूरी तरीके से स्कैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा पूरी तरह सही तौर पर बना हो, उसमें कोई बनावटी खराबी हो सकती है। और अगर सोनोग्राफी एक्सपर्ट से अगर आपने नहीं करवाते और उसमें कोई चूक हो जाती है तो आपको कई चीजें मिस हो सकती हैं, इसलिए इसको लेवल 2 सोनोग्राफी या 3D 4D सोनोग्राफी या एनोमली स्कैन के नाम से ही करवाइए, ताकि इसमें डॉक्टर पूरा अपना ध्यान देकर टाइम देकर उसको पूरे बच्चे को अच्छे से स्कैन कर पाए और ये बता पाए कि कहीं आपके बच्चे में कोई मोटे तौर पर या कोई छोटी मोटी खराबी तो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस सोनोग्राफी को लेट करवाते हैं, यानी कि 20 हफ्ते के बाद करवाते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसी खराबी है कि आप उस बच्चे की प्रेगनेंसी को कैरी ऑन नहीं कर सकते आगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो MTP एक्ट है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है, वो हमें 20 हफ्ते तक की ही टर्मिनेशन करने की परमिशन देता है। अगर 20 हफ्ते के ऊपर प्रेगनेंसी चली जाती है और फिर आपको उसका टर्मिनेशन करवाना है प्रेगनेंसी का, तो वो इलीगल कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि 20 वीक्स के ऊपर अबॉर्शन करना नॉन लीगल है, इलीगल है, तो वो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं करके देगा, तो आप बहुत सारी परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए आपको समय रहते ये सोनोग्राफी 18 से 20 हफ्ते के बीच में ही करवानी चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए, और ये कंफर्मेशन किए बिना कि बच्चा आपका सही बना है, उसके बनावटी स्ट्रक्चर एनोमलीज नहीं है, सारी स्ट्रक्चर सही है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी को आगे कैरी ऑन करें। क्यों? क्योंकि इससे डिफॉर्म्ड बेबी को या ऐसा बच्चा जिसमें कोई जन्मजात खराबी है, उसको 9 महीने तक ले जाना और फिर डिलीवरी के बाद उसका पता चलना, जितना मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल ट्रॉमा आपको होगा उससे तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, इसलिए ये सोनोग्राफी जरूर करवा लीजिए, बिल्कुल मिस ना कीजिए। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी महीने के आखिरी दिनों में की जाती है, जैसे कि आपको 8वां या 9वां महीना लगता है तब की जाती है, 8.5 से 9 महीने के बीच में करी जाती है। इस समय बच्चा पूरा बन चुका है, उसका वजन भी काफी पूरा बन चुका होता है, और अब पानी बच्चे के चारों तरफ कई बार कम हो जाता है, या बच्चे का ग्रोथ कई बार पूरा नहीं हो पा रहा, या कई बार हमें लगता है कि बच्चा सीधा ना होके उल्टा है, यानी उसका सिर ऊपर है और पैर नीचे है, या और भी कोई किसी तरीके की हमें खराबी लग रही होती, कभी धड़कन नहीं मिलती है, या और भी कोई किसी तरीके की कोई परेशानी दिख रही होती है, या फिर एक रूटीन स्कैन के तौर पर भी डिलीवरी से पहले एक सोनोग्राफी करवा कर ये कंफर्म कर लेना कि बच्चा सीधा है, बच्चे के चारों तरफ पानी बिल्कुल सही है, बच्चे को जो खून का सप्लाई जा रहा है वो बिल्कुल सही है, और बच्चे का ग्रोथ और वजन एडिक्वेट है टाइम के हिसाब से, ताकि हम आगे डिलीवरी की, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर सके।
तो ये सोनोग्राफी इम्पोर्टेंट होती है। और ये सोनोग्राफी जो करवा रहे हैं ये कलर डॉपलर होनी चाहिए, यानी रंगीन सोनोग्राफी होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट सोनोग्राफी में आपको कलर फ्लो के बारे में नहीं पता चल पाएगा, जिससे कि कई बार आपने ये भी सुना होगा कि बच्चे के गले में आंवल नाल फंसी हुई है, वो भी रंगीन सोनोग्राफी से ही पता चलती है। अगर बच्चे के गले में आंवल नाल के 3-4 आंटे आए हुए हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर बच्चे का दम घुट सकता है, बच्चे को ब्लड फ्लो कम हो सकता है और बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी में जान जा सकती है। तो ऐसे में हम लोग सिजेरियन प्लान कर सकते हैं, बच्चे की सेफ्टी पहले एंश्योर कर सकते हैं। तो कई चीजें हमें पता चल जाती है, कई बार पानी कम हो जाता है और दर्द बढ़ने से बच्चे की धड़कन कम हो सकती है। तो अगर पानी कम है तो भी प्रिकॉशनरी तौर पर डिलीवरी सिजेरियन प्लान की जा सकती है या और ज्यादा मॉनिटरिंग के साथ डिलीवरी कराई जा सकती है। इसलिए अगर हमें पहले से पता चलता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से तैयारी की जाती है डिलीवरी के लिए। तो ये सोनोग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी सोनोग्राफी को मिस ना कीजिए। बच्चे का ओवरव्यू लेने के लिए, बच्चे की पोजीशन के लिए, बच्चे का ब्लड फ्लो देखने के लिए, बच्चे का वजन देखने के लिए हमें ये सोनोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसको जरूर करवा लीजिए, उसको मिस ना कीजिए। तो ये 4 सोनोग्राफी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी आपको कई बार लगता है कि नहीं, मैं 4 सोनोग्राफी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो 6 हफ्ते वाली सोनोग्राफी और 18 से 20 हफ्ते वाली सोनोग्राफी, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर भी आपको लगता है कि मैं एक ही कराऊंगा, तो फिर 18 से 20 हफ्ते वाली सोनोग्राफी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बजट क्या कहता है, या फिर आपको अगर एक ही करानी है, 2 करानी है, 4 करानी है। हमारे हिसाब से कम ये 4 सोनोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है, इनमें एक भी सोनोग्राफी मिस करने लायक नहीं है। और 4 सोनोग्राफी के अलावा भी कई बार जब डॉक्टर को आप विजिट करते हैं तो कई बार लगता है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, या आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या आप कंप्लेन करते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, या आप कंप्लेन करते हैं कि लीकिंग हो गई है, पानी छूट गया है। तो ऐसी बीच की भी कई और कंप्लेन हो सकती है, कई तकलीफें आ सकती है। जब अपने को लगता है कि अपने को बच्चे का अंदर का स्टेटस देखना जरूरी है, तो इन 4 सोनोग्राफी के अलावा भी सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और कई बार आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो फिर बच्चे का, दोनों बच्चों की ग्रोथ अलग अलग असेस करने के लिए हर महीने सोनोग्राफी करानी पड़ती है, क्योंकि पेट से देखकर आप ट्विन सोनोग्राफी की दोनों बच्चों की ग्रोथ अलग अलग असेस नहीं कर सकते। इसलिए 4 मिनिमम सोनोग्राफी के साथ में कई बार हमें एडिशनल और भी सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जैसे अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हमें और सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट है तो वो जरूर करवा लीजिए, क्योंकि वो आप ही के ट्रीटमेंट प्लान में हेल्पफुल होगा, आप ही के बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छा होगा, आप ही के जच्चा और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित होंगे और सेफ डिलीवरी हो पाएगी और आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए ये जानकारी बहुत लाभदायक रही होगी। अगर आपको लगता है कि हमने इन्फॉर्मेशन जो शेयर की है वो इम्पोर्टेंट है और ये और भी लोगों को शेयर होनी चाहिए, तो इसे तुरंत शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार में। और आपको लगता है कि हमारा जयपुर दूरबीन आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।